नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दो स्टूडेंट से मिलवा रहा हूं जिन्होंने मतलब विदेश जाने का सपना क्रिएट किया था और जो उनका लगभग पूरा होने वाला है। तो चलो मैं पहले मिलवाता हूं आपको और मैं इनसे पहले इनका आपका परिचय करवा देता हूं कि भाई ये कौन है और किस बैकग्राउंड से आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वासुदेव वशिष्ठ। मैं श्री ओपी जिंदल विद्यानिकेतन स्कूल में पढ़ता हूँ और मैंने अभी 12th कंप्लीट की है साइंस बैकग्राउंड से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मेरे फादर एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं और मेरी मदर हाउस मेकर हैं। अच्छा, तो ये तो आपने इनके बारे में इनका परिचय जान लिया, तो अपन इससे पूछते हैं कि भाई आपको स्टार्टिंग में आइडिया कैसे आया और मैं आपको पूरी डिटेल से सारी जानकारी इनसे दिलवाता हूँ। तो वासु जी, आपको सबसे पहले कैसे आइडिया आया कि भाई मेरे को विदेश जाके पढ़ना है? ऐसा एज सच तो कुछ नहीं था बचपन से मेरा आइडिया, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मैंने बस ऐसे यूट्यूब देख रहा था, तो मींस एक वीडियो आई थी अबाउट जर्मनी की कैसे हम वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप आफ्टर 10th जाके पढ़ सकते हैं। तो मींस वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज ग्रैब की, तो मींस मेरे अंदर थोड़ा आइडिया आया कि हाँ, हमारे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इंडिया से बाहर जाकर कम पैसों के अंदर पढ़ सकें। तो यहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जब मैं 10th में आया तो मेरे भैया मींस मेरे सगे ताऊ जी के लड़के, वो उन्होंने प्लानिंग की कि वो कनाडा जाना चाहते हैं, तो बस वहीं से मेरा भी इंटरेस्ट चालू हो गया। तो मींस आज मैं बस अभी प्लानिंग कर रहा हूँ जाने की। मिलिए दूसरे स्टूडेंट से, इनका भी मैं आपको परिचय करवाता हूँ। हेलो भैया, मेरा नाम आर्यन वशिष्ठ है। मैंने जस्ट अभी अपनी 12th क्लास ख़त्म की है जिंदल स्कूल से, और मेरे पापा जो हैं वो ये जिंदल कंपनी में एम्प्लॉय हैं और मेरी वाइफ और मेरी जो मॉम है वो हाउस टेकर है। तो आर्यन, आपको सबसे पहले मतलब कैसे समझ में आया कि मेरे को विदेश जाके पढ़ना है? जैसे तुमने भाई तुम्हारे भाई बता रहे थे कि भाई मेरे भाई से हमें मिला, उसे अलग मान लो आपको कुछ और भी आपके ध्यान में हुआ कि भाई हाँ हमें विदेश जाना है, और किस तरीके से आपने मतलब एक प्लानिंग की वो थोड़ा बताइए। नहीं मतलब ऐसा तो कोई हमारा कुछ नहीं था कि हमको बाहर ही जाके पढ़ना है एंड ऑल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे कि वासु ने बताया था, हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो मतलब हम साथ में ही थे, मतलब ऐसे हम वीडियोस देख रहे थे, तो हमने ऐसे एक दो जर्मनी की वीडियोस देखी, वहाँ की थोड़ी लाइफस्टाइल कैसी होती है, मतलब वहाँ की पढ़ाई से हम थोड़ा ज़्यादा हो गए कि वहाँ की जो पढ़ाई होती है ज़्यादातर मतलब जो होती है प्रैक्टिकल बेस पर होती है, तो वो हमको थोड़ी सी अच्छी लगने लगी। फिर हम ऐसे करके एक दो कंट्री की और देखने लगे, जैसे ये अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैनेडा हो गया, मतलब फिर हमने थोड़ा सा मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सब गेन करने लगे। फिर उसके बाद जैसे कि बताया कि जैसे हमारे जो बड़े पापा के जो लड़के थे, मतलब मेरे जो बड़े भैया हैं, वो जैसे ही उनका एकदम पक्का हो गया, वीज़ा आ गया, तो उनसे हमको भी हिम्मत लगी कि भाई हम भी बाहर जा सकते हैं एंड ऑल करके। तो उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि फिर पेरेंट्स से बात की भाई कि हमको भी पापा बाहर जाना है, फिर ऐसे घर में बात हुई। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया तुम्हें वहाँ से आने लग गया था, फिर तुम्हारे भाई को देख के तुम मोटिवेट हो गए ज़्यादा? अच्छा, इस तरीके से प्लानिंग। हाँ हाँ, मतलब पहले तो हमको ऐसा लग रहा था ना कि बाहर जाना बहुत ही टफ है, मतलब इतना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर जैसे ही भैया गए तो भैया ने हमको बताया कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, कम खर्चे में भी जा सकते हो, वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ की क्या होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम है, तो हमको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। तो फिर वहाँ से हमको थोड़ा सा मोटिवेट आएगा कि अगर भैया जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। अच्छा, तो थे हमें ये तो पता चल गया भाई आपका क्या बैकग्राउंड था और आपको मतलब किस तरीके से आपकी सोच बनी कि हमें वहाँ पे जाना है। तो फिर बाद में तुमने जो सबसे पहला जो स्टेप किया कि भाई हम अपन ये तैयारी करते हैं, मतलब उसके लिए एक्चुअली माइंड में स्टेप तो होते ही थे भाई, आपने दिमाग में सोच लिया कि भाई हमें इस तरीके से करना है, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप उसकी तरफ कि भाई विदेश जाना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, वो क्या किया आपने? तो हमने जैसी मीन्स हमारी ऑलमोस्ट सारी 12th लॉकडाउन में गुजरी थी, तो हमने क्या सोचा कि अभी हम स्कूल तो जाना नहीं है, तो हम IELTS का एग्ज़ाम होता है जो मैंडेटरी होता है, चाहे कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हो। तो हमने सोचा कि चलो ना इसकी कोचिंग ले लेते, तो हमने सबसे पहले उसकी कोचिंग ली 1 महीने की। तो फिर उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, जैसे पासपोर्ट, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप IELTS का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, तो वो मीन्स कंपलसरी है। तो हमने पासपोर्ट बनवाया, फिर हमने कोचिंग ली, उसके बाद फिर एग्ज़ाम बुक किया हमने। अच्छा, आपने पहले जैसे पासपोर्ट बनवाया, तो आपने ऐसे मतलब जैसे घबरा जाते हैं काफ़ी बच्चे की वीज़ा कैसे मिलेगा, पासपोर्ट कैसे मिलेगा, इस तरह के पर्सन भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उसके बारे में आपने क्या मतलब किस तरीके से उसको मैनेज किया? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे कि वहाँ पे PR मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे जाके तुम काम कैसे करोगे, मतलब एक बहुत ही अलग टाइप का वो बन गया था वो एनवायरनमेंट। लेकिन फिर हमने और थोड़ा भैया से बात किया, मैंने कहा भैया आप वहाँ पे पहुँच गए हो तो थोड़ा हमको बताओ कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना नहीं है, जितना लोग ये बोलते हैं इतना होता नहीं है
है या नहीं है। तो फिर भैया ने हमको बताया कि इतना कोई टफ नहीं है, मतलब इतना भी कुछ नहीं है, वीज़ा भी इजीली आ जाता है अगर तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे आयल्स में अच्छे मतलब बैंड हैं तुम्हारे, तो तुम्हें मतलब इजीली तुम्हारा जो वीज़ा है वो अप्रूवल हो जाता है। अच्छा, तो आइल्स के बारे में पूछेंगे अपन, उससे पहले एक बार आपके जैसे मार्क्स जो आए थे उसके हिसाब से मतलब कितने परसेंटेज आपको आए थे, और फिर आपको क्या लगा था कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जैसे 12th का रिजल्ट आया था, अभी तो कोरोना चल रहा था, ऐसे ही पास हो रहे हैं काफ़ी बच्चे, लेकिन फिर भी जैसा भी तुम्हारा रिजल्ट आया था, मतलब जैसे तुम पहले पढ़ रहे थे भाई, पहले ही अपने को पता भी चल जाता है अपनी सिचुएशन क्या है, रियलिटी तो बच्चे को पता रहता है भले चाहे वो कैसे भी पास हो, तो जब पहला रिजल्ट आया तो तुम्हारे को क्या लगा कि भाई हाँ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए रिजल्ट को देख करके, उसके बारे में बताओ। जैसे मीन्स अगर आपको बाहर जाना है तो आपकी 3 क्लासेस का मैंडेटरी होता है रिजल्ट, जैसे 10th 11th 12th। 11th को वो इतना कंसिडर नहीं करते क्योंकि उनको भी पता है 11th में 10th के बाद बच्चों का स्कोर मीन्स कम ही होता है। तो फिर मेरे 10th में थे 87%, 11th में 75 और अभी 12th में मेरे 92% आए। तो मींस मैंने एजेंट से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी प्रोफाइल एकदम परफेक्ट है, बस आप आइल्स में आपका स्कोर 6 एंड अबो होना चाहिए तो आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और आपके? हाँ मतलब ऐसा ही था कि मतलब मैंने थोड़ा एक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की वेबसाइट पे गया, मैंने ये चेक किया कि मिनिमम क्या है रिक्वायरमेंट हमको उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें हमको पता चला कि आपके 12th में जो होने वो 60% होने चाहिए और जो 10th में उसमें भी 60 होनी चाहिए। अगर आपके 60 अबव हैं और आपका आयल्स ऑल ओवर बैंड 6 है और नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल है, तो आप मतलब वो हो, आप एलिजिबल हो कि आप वहाँ पर जाके आगे अपनी स्टडी आगे कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप सबसे पहले जैसे एजेंट से मिले, तो एजेंट का आइडिया किसने दिया आपको और फिर एजेंट से क्या बातें हुई उसके बारे में आप थोड़ा बताइए मेरे को। मतलब क्या था कि अभी हमने थोड़ा भैया से बात की तो हमने उसी एजेंट को पकड़ा जिसने मतलब राजदीप को भेजा था आगे, तो हमने उनसे बात की, मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है हमारी 12th हो रही है, मतलब चल रही है, उस टाइम की बात थी कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे 10th का मेरा मार्क्स पूछा, उसके 11th का पूछा कि आप कौन से स्ट्रीम में, मतलब मैं बायो ले रखी थी मैंने, तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कोर्स हैं जो आप ले सकते हो अगर आप 12th में आपको इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर उन्होंने एक एक करके मेरे को प्रोसीजर बताया कि सबसे पहले आपका आयल्स होना होता है, उसके बाद फिर आपका फाइल वो करते हैं अप्लाई करते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद वहाँ से ऑफर लेटर आता है कि हाँ आपका हो चुका है एडमिशन, फिर आपको फ़ीस भरनी पड़ती है, फिर आपका वीज़ा के लिए आपको GIC अमाउंट डालनी पड़ती है, फिर फ्लाइट टिकट करनी पड़ती है, ऐसे करके प्रोसेस। तो फिर वो मतलब क्या एजेंट पूरा प्रोसेस बताता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको क्या क्या करना, और जो बीच में डिफ़िकल्टीज आती हैं वो उसी की हेडेक होता है कि उसको कैसे सॉल्व करनी है। अच्छा, मतलब किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो फिर आपको एजेंट मतलब बता देता है। अच्छा, एजेंट ने खर्चा भी बताया होगा, तो खर्चे के बारे में बताइए, जैसे भाई काफ़ी आदमी खर्चे को सुन के घबरा जाते हैं कि भाई तो कितना क्या खर्चा लगता है और फिर वो खर्चा रिकवर होता है कि नहीं होता, इसके बारे में बताइए थोड़ा। मीन्स मैं टोटल एक्सपेंस बताऊं या फिर सिर्फ एजेंट का खर्चा? मतलब एजेंट का भाई, एजेंट का खर्चा, और एजेंट जैसे अपन स्टार्टिंग में जाएंगे तो एजेंट से पूछेंगे भाई हम विदेश जा रहे हैं, तो वो ये तो पूछेंगे नहीं कि आपका कितना खर्चा होगा, वो यही पूछेंगे बच्चे कि भाई मेरा कितना खर्चा होगा मैं अगर जाऊँगा, तो एजेंट किस तरीके से बात करता है या क्या बताता है, सारी बातें बताइए। तो मीन्स हमारा सबसे ज़्यादा जो मीन्स सबसे ज़्यादा एक्सपेंस जिसमें लगता है वो हमारी ट्यूशन फीस होती है, क्योंकि अगर आप सपोज कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें एक साल की फ़ीस वहाँ पे जाने से पहले एडवांस में भरनी पड़ती है। और मीन्स अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपको 2 साल का डिप्लोमा होगा, अगर आपको डिग्री करनी है तो वो 4 साल की होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, इसलिए मैंने डिग्री ऑप्ट की। तो मीन्स डिग्री की ट्यूशन फीस अराउंड 8 to 10 lakhs पर ईयर कहीं भी हो सकती है उसके बीच में, वो जैसा आप कोर्स लेना चाहते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है GIC अमाउंट हमें $10,000 देने पड़ते हैं, मीन्स जिस हिसाब से उस टाइम का डॉलर का रेट होता है, जैसे अभी 60 चल रहा है कैनेडा का, तो हमें 6 लाख डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वो रुपए हमारे ही होते हैं, मीन्स जैसे हम कनाडा में जाएंगे वहाँ का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हमें 6 लाख वो बारी बारी वापस पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो खर्चा होता है वो हमारी शॉपिंग अगर हम जाना चाहते हैं उसका, और फ्लाइट की टिकट, ये जो मेजर खर्चे हैं वो ये 4-5 ही होते हैं बस। अच्छा, फ्लाइट का टिकट का और जैसे वीज़ा का खाली कितना खर्चा हो जाता है?
मतलब ऐसे वीज़ा का तो कोई खर्चा नहीं होता, वीज़ा होता है क्या, मतलब वहाँ से वो आता है अप्रूवल कि आप रेडी हो, उसके लिए आपको जैसे वो लोग क्या बोलते हैं GIC वो भरवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जैसे आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास है नहीं, तो उस टाइम जो आप अपने 6 लाख रुपये डिपॉजिट करते हो वो आपको वहाँ पर उस टाइम मिलते हैं। तो वीज़ा की ये होती है कि आपको वहाँ जाने से पहले आपको 6 लाख रुपये भरने पड़ेंगे। तो जैसे वासुन बताया हर महीने आपको $670 मिलते रहेंगे। तो बस ऐसे होता है जैसे आप अपनी GIC भरते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल लगा के भेजते हो, तो वहाँ से 10 या 15 दिन से वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो वीज़ा अप्रूवल कर देती है कि भाई आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही हैं, आपने अपनी GIC की जो अमाउंट है वो भी भर दी है, तो मतलब उसे अप्रूवल कर देते हैं आने के लिए। अच्छा, और एजेंट का कितना खर्चा होता है, मतलब एजेंट का खाली? अच्छा, मेनली एजेंट का मीन्स कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है, तो मीन्स उनको तो हमारी जो फीस हम भरते हैं 8 से 10 लाख उनका एक कमीशन उनको मिल जाता है, कॉलेज दे देता है उन्हें। लेकिन उसके अलावा कुछ एजेंट होते हैं मीन्स जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, मीन्स कि हम आपका जल्दी वीज़ा लगवा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वीज़ा जितने टाइम में आना ही होगा उतना ही आएगा, वो सब कॉलेज पर डिपेंड होता है। तो मीन्स ज़्यादातर इंडिया में एजेंट 20 से 25 हज़ार लेते हैं, मीन्स वो कि सिर्फ हमारा खर्चा इतना लगेगा। अच्छा, जैसे मतलब कॉलेज का फीस जो स्ट्रक्चर है वो कितना होता है, मतलब आपका जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो 3 साल की, आप बात कर रहे हो कि हम 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो लगभग जैसे 3 साल में आपका कितना खर्चा हो जाएगा या पर ईयर कितना खर्चा होगा? उसमें क्या होता है जैसे वासुन बताया कि वो 1 साल की फ़ीस एक साथ लेते हैं, तो अभी जैसे हम डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज अगर कोई भी ऑप्ट करते हैं ना, तो उसकी मैक्सिमम जो फीस होती है वो 9 लाख रुपए तक होती है, उसके आगे शायद ही अगर मतलब जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी बड़े आप जाओगे उतनी फीस बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल सा कॉलेज देख रहे हो या यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो उसकी 9 लाख रुपये तक ही फीस होती है। जैसे क्या होता है पहले साल की तो हम भर के जाते हैं जो हमने रखी होती है, अब दूसरे और तीसरे साल की क्या होती है हमें वहाँ जाके भरनी पड़ती है, मतलब वहाँ जाके आपको ऐसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, जो उससे आपको जो इनकम आपको मिलती है ना उससे आप अपनी फीस भर सकते हो। अच्छा, मतलब ये कंपलसरी होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जैसे जो बच्चा एक अच्छी हेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है कि उसके पैंट में इतनी है कि वो हर साल उन्हें 9 या 10 लाख रुपये दे सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैक्सिमम क्या है, सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हर साल जैसे 10-15 लाख का खर्चा नहीं हो सकता बच्चों पे, तो वैसे बच्चे क्या करते हैं वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे रोज़ जैसे 2.5 या 3 घंटे की क्लास होती है, जैसे उनकी क्लास ख़त्म होती है वो मैक्सिमम जॉब के लिए जाते हैं, तो जॉब से जाके उनको जितनी भी इनकम आती है उससे वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं, जो भी उनका रेंट हो गया, रहने का, खाने पीने का, और फिर अपने जो ट्यूशन फीस होती है वो निकाल लेते, मतलब बच्चा खुद ही अपनी ट्यूशन फीस पे कर देता है उसे। अच्छा, कहने का मतलब है एक बार यहाँ से भेज दें तो बच्चा अगर सही हो, लायक हो, तो वो सारे पैसे कमा के अपना पूरा खर्चा अच्छे से निकाल सकता है, ट्यूशन फीस जिसके अंदर इंक्लूड हो गई, और 3 साल में वो कामयाब होके भी निकलेगा और अपना खर्चा भी निकाल लेगा। नहीं जी, हाँ बिल्कुल, वो फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सपोज एक बच्चा मींस वो मिडिल क्लास फैमिली से, अगर वो अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देखकर काम कर रहा है मींस ताकि उसे घर से पैसे मंगवाने ना पड़े, क्योंकि कनाडा के हिसाब से वहाँ पर जो कमाई होती है वो $2,000-3,000 महीने की होती है, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1.5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो मींस हर महीने पेरेंट्स से 1.5 लाख मंगवाना, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे आर्यन ने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली से, तो हर साल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक बार अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके बाद बच्चा खुद वहाँ पर काम करके कमाता है। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, अब जो आपने बताया इसके लिए इलाइट्स करना ज़रूरी होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस स्टार्टिंग से बताइए भाई कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कितनी बार आप ट्राई कर सकते हैं पेपर देने के लिए, और कितना उसका फीस होता है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो क्या होता है, IELTS जो है वो 4 मॉड्यूल में डिवाइड होता है, उसमें 4 चीज़ों का टेस्ट होता है, उसमें आपका रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है। जो ये रीडिंग, राइटिंग और जो लिसनिंग है वो 1 दिन होता है, और जो आपका स्पीकिंग है वो अलग से 1 दिन होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने 1 महीने की कोचिंग ले ली है IELTS की, तो अब आपको सबसे पहले अपना जो बुक करवाना पड़ता है एग्ज़ाम, तो इसके लिए ना एक IDP करके एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, वो कराते हैं, तो आपको उसके वेबसाइट पे जाके उसका अपना करना पड़ता है। उसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट भी आपका होना चाहिए, सबसे पहले जो चीज़ मांगते हो आपके पासपोर्ट ही मांगते हैं। उसके बाद जो इसका कॉस्ट आता है वो लगभग 15,000 रुपये के आसपास आता है इसका एकर का। और जो ये टेस्ट होता है ये महीने में 4 बार होता है, अगर आप पेन पेपर देते हो, इसके अलावा एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी होता है। रिटर्न देते हैं तो 4 बार?
हाँ, और इसके अलावा एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी होता है जिसमें आपको कंप्यूटर में एग्जाम देना पड़ता है, वो महीने में रोज होता है, मतलब हर रोज होता है वो एग्जाम। अगर मान लो आपका क्लियर नहीं हो रहा था आप फिर दे सकते हो, फिर दे सकते हो। अच्छा, और इसमें किस तरीके का क्या सिलेबस आता है वो, मतलब बच्चे को कैसे पता चलता है, किस तरीके से इन्फॉर्म होता है उसके बारे में? नहीं, इसका कोई ऐसे सिलेबस नहीं होता, जैसे एक एक करके बात करते हैं, उसकी रीडिंग की बात करते हैं, तो इसमें तीन पैराग्राफ आते हैं, जैसे हम बचपन से सीख रहे थे कि पैराग्राफ में से देख के आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनको फिलअप्स करना पड़ता है। रीडिंग में तो ये होता है, तीन पैराग्राफ होते हैं, पहले दो इजी होते हैं और तीसरा हार्ड होता है। इसके अलावा लिसनिंग में क्या होती है, आपको वो लोग एक हेडफोन दे प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो मतलब इंग्लिश में से बात होती है, इंटरेक्ट होती है, और इसे बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। जैसे मैं भाई मान लो कोई बच्चा पूरा ओवरव्यू ही लेना चाहता हूँ सिलेबस का, कि भाई सिलेबस में आता क्या क्या है, और वो ये देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रहे हो कि भाई आया क्या क्या था, भाई अभी आपने जैसे पेपर देख लिया है, लेकिन बिल्कुल नया बच्चा है वो तो पहले सिलेबस देखेगा और वो समझेगा कि ये कहाँ से किस तरीके से आ रहा है। भाई एक तो इंडियन जो अपने टेक्सचर होते हैं, भाई आप जैसे मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो तो बच्चे को पता है किस तरह की इंग्लिश पढ़नी है, क्या करना है, तो लेकिन वो उस वो बिल्कुल एक अलग ही प्रोसेस हो गया। मान लो विदेश जाना है तो उसको किस तरीके का एग्जाम उसका आएगा या क्या पढ़ना है क्या, तो वो सबसे पहले सिलेबस देखेगा, कंटेंट देखना चाहता है, तो वो कंटेंट उसको कहाँ से मिल पाएगा इसके बारे में? मीन्स ऐसा आइल्स में ऐसा कुछ हार्ड नहीं पूछते, आपके 10th और 12th की जो बेसिक इंग्लिश होती है अगर आपको वो आए तो आप आराम से दे सकते हो। वैसे अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप IDP की वेबसाइट पे जाके वहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हो। IDP मतलब? IDP एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो को ऑनर ऑफ आइल्स एग्जाम है, मीन्स जैसे टाटा ग्रुप हो गया, मीन्स वो अलग है अपना, इसलिए ऐसे IDP फॉरन एजुकेशन की एक को ऑनर है मीन्स। अच्छा, तो अभी आप दोनों ने एग्ज़ाम दे दिया, तो जैसे अभी उसका रिजल्ट आएगा, आप बता रहे हो कि 1 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने में कितने दिन लग जाते हैं लगभग? अगर आप पेन पेपर देते हो तो 13 दिन में रिजल्ट आ जाता है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड देते हो तो 5 दिन में। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस में वो ज़्यादा हैबिचुअल है, क्या वो पेन पेपर देना चाहता है या फिर लिख के वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, या फिर वो कंप्यूटर पे जल्दी टाइप कर सकता है। मीन्स फीस दोनों की सेम होती है, 14,700 होती है मीन्स हर एक एग्ज़ाम की। अगर आप एक एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते हो तो दूसरा अगर आपको ट्राई करना है तो वापस से आपको 14,700 करना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि 2 महीने की कोचिंग ली, मीन्स फुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया ताकि दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़े, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एग्जाम हो जाता है। हाँ सही बात है, 15,000 रुपये लगते हैं। और कोचिंग में कितना खर्चा आ जाता है? कोचिंग में जैसे कि मैंने की थी यहाँ भुज से की मैंने की थी, तो उसमें मेरे को 7,000 से 8,000 रुपये का खर्चा, मतलब इसे डिपेंड होता है, जैसे ऑनलाइन भी लेते हैं, जैसे वासु ने ली थी वो ऑनलाइन ली थी, वो सिर्फ फ्री कराते हैं, मास्टर क्लासेस कराते हैं, लेकिन जैसे आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा से सीखना है, क्योंकि क्या होता है जो इंग्लिश आप जितनी सीखो उतनी कम होती है। आइल्स की तो आप सीख लोगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप जैसे वहाँ जा रहे हो तो वो इतनी आनी चाहिए कि आप वहाँ के लोगों से अच्छे से वो कर सको, प्रोजेक्ट बना सको अपने, तो उसके लिए भी लोग क्या कहते हैं एडिशनल वो लेते हैं, तो मैंने वही ली थी जो बुध से, मैंने 7,000 से 8,000 रुपये का खर्चा पड़ा था। 7,000 से 8,000 पर मंथ का या टोटल कोर्स का? पर मंथ का। पर मंथ का कितने महीने को? मैं तो एक ही महीने गया था, वो एक महीने की ही कोचिंग होती है जिसमें वो 7,000 से 8,000 रुपये लेते हैं। एक महीने की कोचिंग अगर अच्छे से कर ले बच्चा और उसको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ ले तो टेस्ट इजीली क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा आर्यन और वासु, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं भाई कि भाई आपने ऐसा किया और विदेश में जा रहे हो आप, तो अभी आप अपने आप से कुछ बताना चाहते हो या जो चीज़ मैं नहीं पूछ पाया हूँ तो आप प्लीज़ वो भी थोड़ा बच्चों को बताएं, ताकि जो भी विदेशों में जाना चाहता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है जो शायद मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप वो भी बताइए। तो सबसे जो मेन थिंग होती है वो होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखो, क्योंकि लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत जमीन ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी 2-3 ID proof होने चाहिए, उसमें आपका हर एक के अंदर सेम नेम सेम डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, मतलब एक एक वर्ड चेक करते हैं कि हाँ ये आपका ही नाम है या किसी और का है। तो मीन स्टार्टिंग से ही जैसे ही आप 12th में पढ़ रहे हो तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर कर दो एक साथ, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब कुछ, और या फिर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपका पैन कार्ड भी, मीन सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, आपके ना फादर के नेम से लेकर आपका खुद का नाम, और आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स भी सब सेम होने चाहिए। तो मीन्स डॉक्यूमेंट्स सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा अगर बाई चांस में कुछ फैमिलीज़ होती है जो 8 से 10 लाख उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे लोन भी ले सकते हैं, मीन्स एजुकेशन लोन होता है, मीन्स वो अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस वो भरेंगे, उसके बाद आपको 10 से 15 साल का टाइम देंगे कि आप जॉब लगे उसके 10-15 मीन्स ईयर्स के अंदर आप अपना लोन रीपे कर सकते हो।
आर्यन जी आप बताइए। और मतलब क्या है, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको ये भी जानना होता है कि वहाँ की जो लिविंग कंडीशन है वो कैसी होती है। मतलब हम यहाँ से तो कर लेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कहाँ रहें, कैसे होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता। जैसे आप वहाँ पर जाते हो तो वहाँ के एक अलग अलग फेसबुक के ग्रुप होते हैं, वहाँ के अलग अलग ऐप होते हैं, तो आप उसके ऐप में जाके, अगर आपको सबसे पहले तो क्या होता है, आपका वहाँ पर घर ढूंढना पड़ता है, अगर आपका वहाँ पर पहले से कोई नहीं है तो। जैसे अभी मेरे राजदीप भैया गए थे, जो मेरे बड़े भैया, तो क्या किया था उन्होंने, उनके ना ऐसे एक ऐप आता है KGG ऐप करके, कैनेडा का ये ऐप होता है, मतलब हर देश का अलग अलग ऐप होता है, तो उसमें आपको ऐसे सर्च करना पड़ता है कि भाई कोई घर है जो खाली है, फिर उसको आपको क्या करेगा, आपको रेंट दे देगा कि एक महीने का इतना चार्जेस है, नीचे फ़ोन नंबर दे देंगे कि भाई इतने आप कॉन्टैक्ट करो, ये करो वो करो, तो फिर आप जैसे उनसे बात करते हो, आपका फाइनल होता है लिस्ट, तो उसमें करना पड़ता है आपको पहले महीने का और दूसरे महीने का, दोनों महीने का आपको रेंट भरना पड़ता है डॉलर में, जितना भी वो आपको बोले, तो ऐसे करके होता है। उसके अलावा फिर पूछने कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कैसे मिले, मतलब वहाँ पहुँच जाए, हमको घर भी मिल गया, आप काम कैसे ढूंढें, तो ऐसे काम ढूंढना तो बहुत ईजी होता है। देखो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऑनलाइन चेक कर लो कि भाई अगर कोई जैसे इंडीड ऐप हो गया, अलग अलग ऐप हैं जॉब के लिए, और अगर आप वैसा नहीं कर रहे तो आप मतलब ऐसे पर्सन टू पर्सन जाके पूछो कि भाई यहाँ पे कोई जॉब है मेरे लिए जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कोई भी पार्ट टाइम जॉब होगी, जैसे डिलीवरी की जॉब हो गई, या किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में कोई भी जिस टाइप की जॉब लोग करते हैं वो मिल जाती है, वैसे जॉब मिल जाती है। फिर उसकी जॉब का प्रोसेस क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स सैलरी होती है कि एक महीना एंड होगा और आपको इतनी सैलरी मिलेगी, वहाँ पे इस टाइप का कोई प्रोसेस नहीं होता, वहाँ पे जो वेजेस मिलते हैं वो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। अब जैसे जो कनाडा का जो मिनिमम वेज है $14 है, मतलब उससे नीचे आपको कोई भी नहीं देगा, तो अब जितने घंटे आप काम करोगे उतने आपको उसी टाइम पैसे मिलेंगे। जैसे आज मैंने 5 घंटे काम किया दिन में, तो मेरे को उसी दिन 5 घंटे के पैसे देता है, इस टाइप के प्रोसेस होते हैं। हाँ ये बेटर है, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, और इसमें आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हो और सारा सिस्टम अच्छे से भी हो सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो जैसे इनका टेस्ट क्लियर होता है, इनका रिजल्ट आता है, तो मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा और आगे की जानकारी मैं आपको सारी उस वीडियो में दिलवाऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोज़ कैसे लगे, और इसी चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आपसे और इस तरह की जानकारी इकट्ठी करके अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।